जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आज EVS में जो कि क्लास फोर्थ के लिए है, चैप्टर हमारा 9 शुरू करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अवर टंग एंड टीथ। यू कैन सी हियर अवर टंग एंड टीथ। टंग का हिंदी में मीन्स होता है जीभ और टीथ का मतलब होता है हमारे दांत। तो इस चैप्टर में हम अपने दांतों और अपनी जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे कितने ह्यूमन के कितने टीथ होते हैं, उनका क्या नाम है, हमें अपने दांतों की क्लीनिंग या मेंटेनेंस करना कैसे करना चाहिए, हमारा टंग का हमें क्लीनिंग कैसे रखना चाहिए, ठीक है, टेक केयर कैसा करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले टंग के बारे में, टंग में जो टेस्ट बड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, टेकिंग केयर ऑफ टंग, हम अपनी जीभ की देखभाल कैसे करें, उसकी साफ सफाई कैसे रखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, हमारे दांतों के बारे में, जिसमें मिल्क टीथ क्या होते हैं, दूध के दांत क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टीथ क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के क्या प्रकार होते हैं उनको जानेंगे, पार्ट्स ऑफ टीथ, हमारे जो दांत होते हैं उन एक दांत के मतलब क्या पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट को क्राउन कहते हैं या रूट कहते हैं, उन सबको जानेंगे। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, यहाँ पे हमने पढ़ा था टेकिंग केयर ऑफ टंग, मतलब जिस तरह हम अपनी जीभ की देखभाल करेंगे वैसे ही हमें अपने टीथ का भी देखभाल करना है। और फाइनली हम पढ़ेंगे टीथ एंड एनिमल्स, मतलब जानवरों के दांत कैसे होते हैं। देखिए तो देखभाल करने वाला है टेकिंग केयर ऑफ टंग और टेकिंग केयर ऑफ टीथ, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है और सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी बॉडी को जानें। अगर हम अपनी बॉडी को ठीक से जान पाएंगे तो हम अपनी बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर की बात करें तो हम अपनी टीथ और अपनी टंग का टेक केयर कर सकते हैं, हम लाइफ लॉन्ग फूड का स्वाद ले सकते हैं। अगर हम अपने टीथ का टेक केयर नहीं करेंगे तो हमारे टीथ एक सर्टेन एज के बाद, किसी किसी को देखा होगा 30 से 35 40 साल की उम्र में ही उनके दांत खराब हो जाते हैं, कुछ एक के दांत निकल जाते हैं। तो फिर अब देखिए टीथ जो है एक बार गिरने के बाद वापस नहीं आते, जो परमानेंट टीथ होते हैं, उसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि फिर पूरी लाइफ हमें जो दांत हमारे गिर गए उनके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग डुप्लीकेट टीथ लगाते हैं, वो उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। सो बिना वेस्ट टाइम किए हुए सबसे पहले जानते हैं दांतों के बारे में। हम बुक में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे, हर एक हार्ड वर्ड्स को आपको समझाएंगे, साथ ही साथ हार्ड वर्ड्स को सेपरेटली एक सॉल्यूशन शीट में भी देंगे, अलग से कागज पे लिख के मैं आपको PDF फॉर्मेट में भी दूंगा, ये मेरा काम है। साथ ही साथ हम हर लाइन और हर शब्द को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं दांतों के बारे में। चलो अब हम देखते हैं दांतों को, हमारे दांतों का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जब वो लगभग 6 मंथ्स का होता है तो उसका पहला टूथ, एक दांत निकलता है, ठीक है, वो मिल्क दूध का दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं। जो मिल्क टीथ हैं इनकी संख्या होती है 20 और ये 6 मंथ से लेके लगभग 2.5 से 3 साल तक के निकलते हैं। जब एक बच्चे की उम्र 6 मंथ होती तो पहला एक दांत निकलता है और जो दूध के दांत हैं जिनकी संख्या 20 होती है, ये सारे के सारे 20 दूध के दांत लगभग जब बच्चे की एज 2.5 या 3 साल की होती है तब तक ये निकल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या मिल्क, ठीक है, दूध के दांत। ये दूध के दांत लगभग 10-12 साल तक रहते हैं और उसके बाद ये रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि ये दूध के दांत निकल जाते हैं और इनकी जगह दांत वापस से 20 दांत निकलते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। साथ ही साथ उन 20 दांतों के साथ 12 दांत और निकलते हैं, तो हमारे ह्यूमन माउथ में टोटल दांतों की संख्या होती है, टीथ की संख्या होती है 32, जो एडल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे में अगर मिल्क दूध के दांतों की संख्या जब सारे के सारे निकल जाते हैं तो होती है 20। दूध के दांत जो 20 होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं 11-12 साल से, वो रिप्लेस हो जाते हैं और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो होते हैं परमानेंट,
जो हमारी थ्रू आउट दी लाइफ रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल, अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो पहले भी निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत, एक दांत के बारे में जानते हैं कि भाई दांत का एक होता है इंटरनल पार्ट, जिसको मैंने लाइनिंग के द्वारा दिखाया गया है। ये क्या है? दांत का इंटरनल पार्ट। एक एक सिंगल टूथ लिया है मैंने, एक दांत यहाँ पे लिया है, तो ये जो लाइनिंग वाला है इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ये जो बाह्य पार्ट है, एक्सटर्नल जो पार्ट है दांत का, इसको बोलते हैं इनेमल, जो आपकी बुक में आगे भी आएगा, इनेमल। कौन सा हो गया? जो आउटर कवर हो गया, एक सिंगल दांत का मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। और जो इंटरनल पार्ट है उसको बोलते हैं डेंटाइन। चलो अब बात करते हैं कि जो एडल्ट होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, कौन से दांत को क्या कहते हैं। देखिए, ये मैंने बेसिकली अपने जो टीथ हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो लोअर लोअर जा और अपर जा। जा मीन्स जबड़ा, अपना नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा, है ना। सो किसी एक जबड़े की हम बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इंसाइजर, जिसको कुछ लोग इनसीजर भी कहते हैं। इंसाइजर भी, प्रोनंसिएशन दोनों ठीक है, इंसाइजर, INCISOR, इंसाइजर। तो इंसाइजर्स क्या होते हैं? चार होते हैं नीचे और चार होते हैं ऊपर। तो ये कितने हो गए? आठ हो गए, चार नीचे और चार ऊपर। ये ठीक सामने होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये चार इंसाइजर है, 1 2 3 4। ये चार नीचे हो गए इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम बना दिया, चार ऊपर हो गए। तो इंसाइजर हो गए हमारे माउथ में कितने हो गए? आठ, चार और चार। ये ठीक सामने होते हैं, जो नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो हमें जो दिखाई देते हैं दांत, वो इंसाइजर ही होते हैं, ठीक है, या इंसीजर भी कह सकते हैं। तो इंसीजर का काम क्या है? हमारी बॉडी में भोजन को काटता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बाद में भी बुक में आएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ मैं बेसिक मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया इंसाइजर। इंसाइजर के दोनों ओर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नुकीला दांत होता है जिसको हम बोलते हैं कैनाइन्स, CANINE, कैनाइन। कैनाइन एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा, मतलब एक जा में, एक जबड़े में कैनाइन कितने हो गए? दो, एक इधर और एक इधर, नुकीला सा दांत। इंसाइजर के बाद में एक कैनाइन इधर मिलेगा, जिसको मैंने सी से यहाँ पे इंडिकेट किया है, एक कैनाइन यहाँ मिलेगा, एक कैनाइन यहाँ मिलेगा, मतलब एक जबड़े में कितने कैनाइन हो गए? दो। अब हमारा एक जबड़ा ऊपर है एक नीचे है, तो टोटल कैनाइन कितने हो गए? 2+2, तो कैनाइन की संख्या होगी 4। कैनाइन का काम क्या है? भोजन को फाड़ता है, टीयर करता है। और जो हमारा इंसाइजर था, भोजन को कट करता है, काटता है। सबसे पहले हम माउथ में भोजन ले जाते हैं, तो भोजन को, जो एक इंसीजर है, भोजन को काटते हैं, कट करते हैं। और जो कैनाइन है, भोजन को फाड़ते हैं, टीयर करते हैं। भोजन को फाड़ना भी तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कैनाइन के बाद, तो हमारे साइड में और जाते हैं, तो आते हैं प्री मोलर, जिसको मैंने PM से लिखा है, प्री मोलर। प्लीज डू नॉट कन्फ्यूज, प्री मोलर और मोलर दोनों अलग अलग होते हैं। प्री मोलर, प्री मोलर की संख्या दो इधर होती है और दो इधर होती है, जिनको मैंने यहाँ लाइनिंग के द्वारा दिखाया गया, 1 and 2, 1 and 2। दो प्री मोलर इधर और दो प्री मोलर इधर। तो एक जबड़े में कितनी प्री मोलर हो गए? चार, दो और दो चार, और ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में कितनी मोलर, प्री मोलर हो गए? आठ। तो प्री मोलर की संख्या कितनी होगी? 4+4, 8। इनका काम भी भोजन को क्रश करना है, जिसको बोलते हैं हिंदी में भोजन को चबाना है। दे आर ऑल्सो क्रशिंग द फूड, मीन्स भोजन को चबाते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे आते हैं मोलर। मोलर, मोलर की संख्या तीन इधर होती है, एक एक जबड़े में। देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 3, और 3 इधर होती है, 1 2 3। तो एक जबड़े में कितने मोलर हो गए? 6, 3 इधर और 3 इधर, और दोनों जबड़ों में कितने हो गए? 6+6, 12, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंसीजर जो ठीक सामने होते हैं, चार नीचे और चार ऊपर, 8 हो गए। कैनाइन्स दो इधर हो गए, कैनाइन्स एक इधर हो गया, एक इधर, मीन्स एक जबड़े में दो और दूसरे जबड़े में दो, 2 और 2+2, 4 हो गए। प्री मोलर, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, मीन्स एक जबड़े में चार, तो दोनों में 4+4, 8। और उसके बाद फाइनली मोलर, तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, और दोनों में कितने हो गए? 6,
सॉरी 6 एक में हो गया और दोनों में कितने हो गए 12, 6 प्लस 6 12, अगर इन सबको टोटल कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 32, यानी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के माउथ में दांतों की संख्या होती है 32, ठीक है। साथ ही साथ हमने काम जाना कि इनका सबका अलग अलग काम है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर मीन सबकी बनावट अलग है, सबका काम अलग है, सारे दांतों का स्ट्रक्चर ना समान है और सारे दांतों का काम भी अलग अलग है। जैसे इंसीजर भोजन को काटता है, ये भोजन को फाड़ता है, दैट इज कनाइंस। प्री मोलर्स और मोलर्स भोजन को क्रश करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा आपका जो स्टैंडर्ड है फोर्थ क्लास का, उस हिसाब से जितना यहाँ पे बुक में दिया है उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बुक के हिसाब से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चलते हैं। सो आवर टंग एंड टीथ यूनिट 9, सब्जेक्ट टीवीएस फॉर द क्लास 4। लेट्स पीप इनसाइड अवर बुकाल कैविटी। पीप का मतलब होता है झांकना या थोड़ी सी नॉलेज लेना, यहाँ पे झलक एक तरह का। इनसाइड अवर बुकाल कैविटी, बुकाल कैविटी जो वर्ड है मैं इसको हार्ड वर्ड में भी लिखूंगा BUCCAL, बुकाल CAVITY, बुकाल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मुख गुहा, ये जो हमारा मुंह के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बुकाल कैविटी या ओरल कैविटी, मुख गुहा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहा गया है, मिरर मीन्स दर्पण। एंड ओपन योर माउथ वाइड, और अपने मुंह को पूरा खोलें, वाइड मीन्स चौड़ा। What do you see? क्वेश्चन मार्क, आप क्या देखेंगे, आपके लिए एक्टिविटी बताइए करने के लिए। देर इज ए टंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे माउथ के अंदर एक जीभ है और अलग अलग तरह के दांत हैं। Have you ever wondered why we have different types of teeth? Wondered का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना, भौचक के रहना। कभी आपने सोचा कि हमारे मुंह में ये अलग अलग तरह के दांत क्यों हैं? सोचा होगा जरूर, हम सब सोचते हैं। What is the function of the tongue? जीभ का काम क्या है? Function means काम, कार्य। Let's understand all in this chapter, सभी चीजों को इस चैप्टर में समझते हैं। चलो टंग के बारे में बात की है। Let's play a game, एक गेम खेलते हैं। Invite your friend to join in the गेम, अपने किसी दोस्त को इनवाइट करें, आमंत्रित करें एक गेम में ज्वाइन होने के लिए। Blind fold him her, उसको ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो ताकि वो देख नहीं पाए। हिमाया लड़के के लिए और लड़की है तो हर। नाउ प्लेस डिफरेंट फूड आइटम्स बिफोर योर फ्रेंड एंड आस्क हिम हर टू टेस्ट देम एंड टेल इफ दे आर स्वीट, सॉल्टी, बीटर एंड श्योर। अभी उसके सामने अलग अलग तरह के फूड बेसिकली उसके माउथ में रखें। बिफोर योर फ्रेंड एंड आस्क हिम, और उससे पूछें टू टेस्ट, मतलब उसके माउथ में आपको नहीं रखना है, आपको उसके सामने वो रखने हैं अलग अलग टेस्ट का खाना रखना है, और उसको बोले इन सबको टेस्ट करो बारी बारी से, है ना। सो इफ दे आर स्वीट, और उससे जानो कि ये स्वीट हैं, मीठे हैं, सॉल्टी हैं, बीटर मीन्स कड़वे हैं और श्योर मीन्स खट्टे हैं। भाई क्या टेस्ट है, कौन कौन सा टेस्ट है? इज इट पॉसिबल एज योर फ्रेंड इज ब्लाइंड फोल्डर, क्या यह आपके दोस्त के लिए संभव है कि वो टेस्ट बता देगा? बिल्कुल संभव है। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इट इज द टंग दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टेस्ट, ये जीभ है जो हमारे डिफरेंट स्वाद को बताती है, कि हम जीभ से ही अपने स्वाद को जानते हैं कि ये चीज कड़ी है, शोर है, बीटर है, सॉल्टी है, ठीक है, जो भी है। द टंग एक्सटेंड फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ, हमारी जीभ माउथ के पीछे तक एक्सटेंड है, बड़ी हुई है। इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर मीन्स होती है जैसे हम कमरे में फ्लोर होती है फर्श, जो हमारी टंग है हमारे फ्लोर माउथ के फ्लोर में अटैच है, पीछे का पार्ट अटैच है कि नहीं, ठीक है। अवर टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन दैट सेंसस टेस्ट, क्या बताया टंग के बारे में? और टंग इज ए फ्लैसी, फ्लैसी मीन्स मसल, मसल है ना, मोटी है, मस्कुलर, मसल से बनी हुई ऑर्गन है, दैट सेंसस टेस्ट, टेस्ट को सेंस करती है, टेस्ट को जानती है। इट हेल्प्स टू मूव द फूड इन अवर माउथ, साथ ही साथ जो हम माउथ में खाना लेते हैं उसको मूव भी करती है, सर्कुलेट करती है ना, हम टंग की मदद से, जीभ की मदद से पूरे माउथ में खाना घुमाते रहते हैं। और क्या करती है? इट मिक्सस सलाइवा
विद द फूड दैट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड. सलाइवा का मतलब होता है लार. ये फूड के अंदर सलाइवा लार भी मिक्स करती है. हैं, उससे क्या होता है, हमारा फूड थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ जाता है. एंड स्वेलिंग द फूड, एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, इस वर्ड को मैं दूंगा, इसका मतलब होता है निगलना. और फूड को निगलने में भी हेल्प करती है कौन, टंग. मूवमेंट ऑफ टंग इनसाइड द माउथ हेल्प अस टू स्पीक. साथ ही साथ हमारी जीभ का माउथ के अंदर जो मूवमेंट है वो हमारे बोलने में भी मदद करता है. ठीक है, ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक नाउ. आपको बोला गया है कि अपनी टंग को पकड़ो और बोलो. इज इट पॉसिबल, ये संभव है. वी कैन स्पीक ओनली व्हेन आवर टंग इज फ्री टू मूव. भाई हम तभी बोल सकते हैं जब हमारी जीभ टंग मूवमेंट करने के लिए फ्री हो. अगर हमने इसको पकड़ लिया तो वी कैन नॉट स्पीक, हम बोल नहीं पाएंगे. तो अभी यहाँ पे हमने बताया कि टंग के कितने काम है. टेस्ट को जानती है टंग, साथ ही साथ बोलने में हेल्प करती है टंग. तीसरा काम क्या होगा, सलाइवा लार मिक्स करती है जिससे हम फूड को निगल पाते हैं. हैं, फूड जिससे फूड इजी डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टेस्ट बड्स. अब ये जो टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स क्या होती है, टंग के ऊपर होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ के ऊपर. देयर आर टिन्नी बम्प्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग. टिन्नी बम्प्स, बम्प्स का मतलब होता है एक तरह का उभार, छोटे छोटे उभार होते हैं. अपर सरफेस ऑफ द टंग, ऊपर वाला जो भाग है जीभ का उस पर टिन्नी छोटे छोटे उभार होते हैं. दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्वीट शोर बीटर एंड सॉल्टी टेस्ट. वो हमारी सहायता करते हैं आइडेंटिफाई करने में, किसमें कोई चीज़ मीठी है, शोर मीन्स खट्टी है, बीटर मीन्स कड़वी है, और सॉल्टी, सॉल्टी को हम कह सकते हैं एक तरह की नमकीन. नर्व्स इन द टेस्ट बड्स. देखिए टंग थी, टंग्स के ऊपर टेस्ट बड्स हैं. अब टेस्ट बड्स में क्या है, नर्व. नर्व को हम हिंदी में कहते हैं नसें. नर्व, नर्व्स इन टेस्ट बड्स, जिनको रिसेप्टर्स भी कहते हैं, सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टेस्ट टू द ब्रेन. द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज टेस्ट इज इट. भाई ये जो नर्व्स हैं टेस्ट बड्स में, नर्व्स हैं, ये नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं. फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या टेस्ट है. ठीक है, फिर ब्रेन बताता है कि ये चीज़ बीटर है, सॉल्टी है, शोर है, है ना. जैसे हमारे बाकी सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारी स्किन है, आईज हैं, जो फाइव सेंसेस ऑर्गन है बॉडी में, जब हम अपनी स्किन को टच करते हैं तो ये जो सेंस ऑर्गन है स्किन, कहाँ पे सिग्नल भेजता है, ब्रेन को. फिर ब्रेन ऑर्डर देता है, वापस से मैसेज देता है कि हमें क्या करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टेकिंग केयर ऑफ टंग. अब आगे बात हो रही है कि हमें अपनी जीभ की कैसे देखभाल करनी है, कैसे टेक केयर करना है. वी मस्ट क्लीन अवर टंग विद ए टंग क्लीनर एवरी डे. कहा गया है कि हम वी मस्ट, हमें अपनी जीभ को रोजाना टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. टंग क्लीनर हम अपने घरों में रखते हैं. आजकल कुछ स्टील के भी आते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक के टंग क्लीनर भी आते हैं. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा प्रीफर करते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, है ना. सो हमें अपनी जीभ को रोज कम से कम एक बार टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द टंग. इससे क्या होगा, साफ करने से जो बैक्टीरिया है टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर जो जीवाणु हैं, उनको हेल्प करने में, निकालने में मदद करता है कौन, टंग क्लीनर से जब हम साफ करेंगे तो. डर्टी टंग कॉजेज बैड ब्रीथ. बैड ब्रीथ का मतलब होता है सांसों की बदबू. अगर हमारी जीभ गंदी रहेगी तो हमारे जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, हमारे सांस के साथ बैड ब्रीथ आएगी, सांस में बदबू आएगी, जिससे कि हम किसी दूसरे से बात करेंगे तो उसको बहुत मतलब बुरा फील होगा, वो शायद हो सकता है हमसे बात भी ना करे. दूसरा है, वी मस्ट रिंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे लंच हो डिनर हो, हर खाने के बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना है. रिंस मीन्स एक तरह से बोलते हैं ना, कूला करना, साफ करना है. रिंस मीन्स साफ करना है पानी से. तीसरी चीज, अवॉइड. अवॉइड मीन्स बचना है. किससे, अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड. स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, हॉट का मतलब होता है गर्म. हमें जो बहुत ज़्यादा गर्म और मसालेदार खाना है उससे बचना चाहिए, वो हमारी जीभ और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. हॉट फूड फॉर्म्स ब्लिस्टर्स ऑन द टंग. ब्लिस्टर्स का मतलब होते हैं छाले, BLISTERS. जो गर्म खाना है
वो अगर हम उसको गर्म खाने को लेंगे तो हमारी जीभ पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, फिर हमें पेन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीथ की। टीथ के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसी को हम रिवाइज करेंगे बुक के अनुसार। अलोंग विद द टंग देर आर टीथ इन साइड अवर माउथ। जीभ के साथ साथ हमारे मुंह में दांत भी हैं। टीथ हो गया प्लूरल, टूथ हो गया एक सिंगल दांत, टी डब्लू टी एच ये हो गया एक वचन एक दांत, और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। आर द शेप्स ऑफ ऑल टीथ सेम, आपसे पूछा गया कि सारे दांतों की बनावट बराबर है, नहीं। डू ऑल द टीथ परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्या सारे दांत एक ही फंक्शन एक ही काम करते हैं, नहीं। इन अवर लाइफ टाइम वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, हमारे पूरे जीवन काल में दो दांतों के सेट निकलते हैं, पहला है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की बात करते हैं, मिल्क टीथ, एन इन्फेंट एक बच्चा इज बॉर्न विदाउट टीथ, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बिना टीथ बिना दांतों के जन्म लेता है। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, टीथ स्टार्ट्स अपीयरिंग दांत निकलना शुरू होते हैं। द फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड, जब एक बेबी लगभग 6 महीने का होता है तब पहला दांत उसके माउथ में निकलता है। देर आर 20 मिल्क टीथ बाई द एज ऑफ 2.5 years, जब वो 2 से 2.5 साल का होता है तो उसके माउथ में 20 मिल्क टीथ दूध वाले दांत निकल जाते हैं। दे आर टेम्पररी टीथ, ये परमानेंट रहे, अस्थाई है। टेम्पररी का मतलब अस्थाई, इसका मतलब इनको बाद में निकलना है, रिप्लेस होना है। इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, इसको बोलते हैं पहला सेट। पहला सेट कौन सा हो गया, मिल्क टीथ वाला, जिसमें 20 दांत होते हैं, जिनकी शुरुआत 6 महीने का जब बच्चा होता है तब से होती है, और 2 से 2.5 साल तक का जब बच्चा हो जाता है 20 के 20 दांत निकल जाते हैं, निकल जाते हैं मीन्स मुंह में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं परमानेंट टीथ। अब दूसरा सेट वो है जो परमानेंट टीथ, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 years द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड, जब एक बच्चे की उम्र 6 से 12 साल की होती है तो जो मिल्क टीथ है दूध वाले दांत हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं। दिस इज द सेकंड सेट ऑफ टीथ, जिसको हम सेकंड सेट कहते हैं। देर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट, जब एक एडल्ट जिसकी मतलब उम्र 18 साल हो जाती है, लगभग उसके मुंह में 32 दांत आ जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ हमारे मुंह में 1-2 दांत हैं वो 18 साल के बाद भी निकलते हैं, तो एडल्ट का मतलब होता है 20-22 18 से शुरू हो जाती 25-30 आगे पूरी ज़िंदगी एडल्ट ही रहते हैं हम, ठीक है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट टिल ओल्ड एज, ये जो दांत हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और ये जब हम बुढ़े होते हैं तब तक हमारे माउथ में रहते हैं। या अब ये डिपेंड करता है कि हम अपने माउथ में इनको रख पाते हैं कि नहीं, अगर हम इनका टेक केयर करेंगे तो ये हमारा साथ देंगे, अगर हम इनका टेक केयर नहीं करेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे। इफ एनी ऑफ दीज टीथ आर ब्रोकन दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाई न्यू टीथ, अगर इनमें से ये जो 32 दांत परमानेंट टीथ में से कोई टीथ अगर टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन मीन्स टूटना, तो इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, रिप्लेस नहीं है। ऐसा नहीं कि टूथ निकल गया तो बाद में कोई नया आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बात है टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के कितने प्रकार हैं, जिनको मैंने यहाँ पे बता दिया। देर आर 4 types ऑफ टीथ, कितने टाइप्स के हैं भाई, 4 types के ऑफ टीथ हैं, परमानेंट टीथ है ना। डिफरेंट टीथ हैव डिफरेंट शेप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर टीथ की जो शेप होती है अलग होती है और उनके काम भी अलग होते हैं। 4 सेटों में से सबसे पहला सेट है इंसाइजर। इंसाइजर्स आर द बाइटिंग टीथ, काटने वाले, एक तरह से बोलते ना, हमने यहाँ पे लिखा है भोजन को काटते हैं। दे आर शार्प एजेस टीथ, अब जब भोजन को काटते हैं तो इनका शेप कैसी, शार्प एजेस, इनका किनारा है बिल्कुल सामने से शार्प है, नुकीला है। देर आर 4 incisors इन ईच जा, एक जा में, एक जबड़े में कितने इंसाइजर्स हैं, 4 है, मैंने यहाँ पे बता दिया, 4 इसमें 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए, 8। नेक्स्ट है कैनियंस, नेक्स्ट 2 incisors ऑन ईच साइड आर द कैनियंस, दे आर पॉइंटेड टीथ, ये नुकीले हैं, कैसे हैं, नुकीले हैं, क्यों नुकीले हैं, दे हेल्प इन टीरिंग द फूड, टीरिंग का मतलब होता है फाड़ना, ये भोजन को फाड़ते हैं, जैसे हमने चपाती ली तो चपाती को फाड़ते हैं। देर आर 2 canines इन ईच जा, एक जा में 2 होते हैं इंसाइजर, मतलब एक इधर और एक इधर, तो पूरे माउथ में कितने हो गए, 4 incisors हो गए, सॉरी 4 canines हो गए, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, 4 canines हो गए। अब हम बात करते हैं प्री मोलार्स,
बिहाइंड द कैनाइंस आर द ब्रॉड प्रीमोलार्स, बड़े बड़े प्रीमोलार्स हैं, दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड, वो फूड को दबाते हैं, क्रश मीन्स क्रश करना, दबाना, कुचलना, एंड ग्राइंड मीन्स पीसना, तो प्रीमोलार्स का क्या काम हो गया, फूड को क्रश करना और फूड को ग्राइंड करना, मतलब कि दबाना या कुचलना और पीसना, देर आर फोर प्रीमोलार्स इन ईच जार, एक जार में कितने प्रीमोलार्स हैं भाई, दो इधर और दो इधर, चार और चार ऊपर, टोटल माउथ में कितने हो गए, आठ। अब हम बात करते हैं मोलर्स, दी मोलर्स लाई लास्ट इन द जार, हमारी जार में सबसे पीछे कौन होते हैं, मोलर्स सिचुएटेड हैं, दे आर ग्रूव्ड, ग्रूव्ड का मतलब होता है एक तरह से कट इन सरफेस थोड़ा सा, एंड क्रश द फूड, वो फूड को ग्रूव्ड भी करते हैं और क्रश भी करते हैं, जैसे ये भी क्रश करते हैं भोजन को चबाते हैं, ये भी मोलार भी भोजन को चबाने का काम करते हैं, देर आर सिक्स मोलार्स इन ईच जा, हर जा में तीन मोलार इधर तीन इधर, कितने हो गए, छः, छः नीचे और छः ऊपर, तो टोटल मोलार्स कितने हो गए, बारह, तो टोटल टीथ हमारे माउथ में कितने हो गए, 32। अब लास्ट जो टॉपिक है वो इसमें कवर कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ टीथ, टीथ के क्या क्या पार्ट्स हैं, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टीथ, टीथ के तीन पार्ट हैं, क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट, क्राउन, नेक और रूट, राइट, रूट, क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ विजिबल अबव द गम्स, जो पार्ट हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं क्राउन, गम से मसूड़ों के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, भाई क्राउन वैसे भी तो कोई पहनता है, जब पहनाया जाता है तो ऊपर ही तो पहनाया जाता है, क्राउन सर के ऊपर ही पहनाया जाता है, ठीक, जिस चीज को, जिन दांतों को हम देख सकते हैं, मतलब सब उन उस पार्ट्स को कहते हैं क्राउन, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है, बिलो द टूथ इज द नेक, क्राउन के नीचे क्या है, नेक होती है, क्या होती है, नेक, रूट ऑफ द टूथ लाइज इनसाइड द गम्स, और जो गम्स के मसूड़ों के अंदर जो पार्ट होता है जिसको हम देख नहीं सकते वो होता है रूट पार्ट, जड़, तो तीन पार्ट में अपना दांत को डिवाइड कर दिया, क्राउन, नेक और रूट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्राउन वो पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, उसके नीचे रूट अपना नेक होता है और नेक के नीचे रूट होता है, रूट वो पार्ट होता है जिसको हम देख नहीं पाते। गम्स आर द पिंक फ्लैसी पार्ट दैट सराउंडेड द टीथ एंड होल्ड देम, गम्स, गम्स मीन्स मसूड़े, गम्स के बारे में बताया, गम्स आर द पिंक, कलर कैसा होता है, पिंक, फ्लैसी पार्ट, फ्लैसी मीन्स गद्देदार पार्ट होता है, दैट सराउंड द टीथ, दांत को चारों तरफ से घेर के, एंड होल्ड देम, और दांतों को होल्ड करते हैं, हमारे जो दांत हैं उसके अंदर ही तो, मसूड़ों के अंदर ही तो होल्ड होते हैं। डियर स्टूडेंट, द क्लास इज गोइंग टू लेंथ, सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2, सो प्लीज बी सेफ एट होम, सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे।